जय श्री ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमो अरिहंतान नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो उवज्जायानम नमो लोये संबसा वंदितु सब सिद्धि धूम चलमणो गवंगहिं पते बोच्छामि समय पाहुर्ण ब्रह्मौषध केवलीभणिधर नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वावाय भावाय सर्वभावांतरच पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से मोक्षु मंडल का अस्तित्व देश और देशांतर में फैलता जा रहा है। जब शासन प्रभावना होना हो तो योग्य निमित्त भी मिलते चले जाते हैं। ब्रह्मचारी बेलोकर जी साहब, ब्रह्मचारी जतीश भाई जी साहब पूरे हिंदुस्तान में छात्रों के विद्यालय तो बहुत खुले लेकिन बच्चियों के लिए कहीं कुछ नहीं था। हम जब भी मंगलायतन की बात करते थे, नागपुर की बात करते थे, सोनागिर की बात करते थे, छिंदवाड़ा की वो क्या ना खनिया धाना की बात करते थे तो लोग कहते थे बच्चियों के लिए भी तो खुलवाओ। सहज संयोग ऐसा बना कि जतीश भाई जी की बहन ने अपना समर्पण दिया और उनकी वजह से आज हिंदुस्तान में एक शानदार आत्मार्थी बच्चियों के लिए कन्या निकेतन वहां खुला, आदिनाथ कन्या निकेतन क्या नाम है जी ना, दिल्ली में आत्मार्थी ट्रस्ट में। धन्य कुमार जी बेलोकर जी ने मेरे ख्याल से तो पूरे महाराष्ट्र में मुमुक्षुओं का एक ही तीर्थ बचा है मेरे ख्याल से, और कोई है ना। जब मोक्ष मंडल का प्रभाव हो, एक गजपन था पूरे महाराष्ट्र में, एक स्थान ऐसा है जहां हमें ऐसा लगता है कि हम गुरुदेव का नाम, गुरुदेव की सीढ़ी, गुरुदेव की चर्चा, तत्व ज्ञान की चर्चा कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में एक सोनागिर है बस, और ज्यादा दूर दूर तक कहीं कुछ दिखाई नहीं देता। हमारा कहने का मतलब है तीर्थ क्षेत्र और आत्मकल्याण का सुंदर समागम आज हमें गजपंथा में मिलता है। और वहां की व्यवस्था मुझे देख के बहुत हर्षा लगता है कि जंगल में है वो, और आप बॉम्बे में रहकर इतनी दूर से प्लान करते हैं, जाते हैं, आते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। मैं राजू भाई की तो सराहना करता ही हूं, लेकिन आप सब लोगों ने भी जितना इंटरेस्ट वहां लिया है, जितना विशाल संकुल वहां खड़ा किया है, आप सब भी बधाई के पात्र हैं। धीरे धीरे करके एक दिन ऐसा आएगा, शायद ही कोई नगर बाकी होगा, जैसे वो पंचकल्याण की बात आई ना, तो इतनी खुशी होती है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हर गांव में गुरुदेव श्री के नाम का एक मंदिर होगा, एक तत्व ज्ञान का केंद्र होगा, एक स्वाध्याय का केंद्र होगा। बच्चा कई जन्म है लेकिन उसे ओरिजिनल तत्व ज्ञान सम्यक दर्शन का विषय हर गांव में मिलेगा। इसलिए मैं अभी एक सोच बताता हूं, अपना एक बजट बना के रखता हूं, कहीं भी कोई मंदिर बने मिनिमम 100 रुपए तो देना ही है। यदि आप 1000 रुपए देना चाहते हो मिनिमम, घर के 10 मेंबर हैं तो 10 मेंबर को बोल दो, बच्चों तक को बोल दो, बेटे दान देने की, बेटे तेरे लिए 100 रुपए का क्या कहलाता है वो अधिकृत राशि लिमिट, डोनेशन लिमिट है बेटा, जब भी तेरी मर्जी पड़े 100 रुपए तक, 1000 रुपए तक तू दान दे देना, कितना आनंद आए। 500 आदमी हो, 500 नाम लिखने पड़े, हर बच्चा खड़ा होकर कह रहा मेरे 1000, मम्मी की ओर नहीं झांकना पड़े, बच्चे को पापा की ओर नहीं देखना पड़े कि हम दें कि नहीं दें। माने 1000, 500, 100 रुपए की आदत बच्चों को ऑथेंटिक रूप से हो जाना चाहिए कि तू दान दे देना, मैं नहीं पूछा दे देना, उससे आगे हमसे पूछना।
मेरा मतलब है कि पूरे हिंदुस्तान में जैन शासन का उद्भव देखकर बहुत प्रसन्नता होती है। मंदिर तो हजारों हैं, लेकिन सम्यक दर्शन की चर्चा भी बिरले मंदिरों में होती है, इसलिए हमें इस बात की बड़ी प्रसन्नता है। मैं जब भी इस क्षेत्र पर जाता हूं गजपंथा पर, तो धन्य कुमार जी मुझे ऐसे दिखते हैं कि जब तक वो हैं तब तक हमें उतना डर नहीं है, लेकिन कहने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन इन फ्यूचर इतनी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी, मंदिर, इतने विशाल संकुल, इनकी रक्षा यदि होगी तो आसपास के जैन नॉन जैन का सपोर्ट और स्टेट का सपोर्ट जब तक हमें नहीं मिलेगा तब तक हमारा काम नहीं होगा। इसलिए हर बार मेरी सलाह थी कि यहाँ पर जीवंतता होनी चाहिए, जैसे अपना चेतन धाम बना है तो जब सिविल लगता है तब जीवंतता लगती है, लेकिन बाकी साल भर तो कर्मचारी ही रहते हैं, जितने बस के यात्री आए दर्शन करके हाईवे पे तो चले जाते हैं, मन रुकते नहीं है। जब तक वहां पर हमारा संकुल नहीं खड़ा होता बच्चों का, तब तक जीवंतता नहीं होती। आप कर्मचारियों के भरोसे कब तक रहेंगे? कल्पना कीजिए 100-500 बरस में वहां से सैकड़ों बच्चे, हजारों बच्चे निकलेंगे। जैसे हम पढ़ करके निकलते तो एक याद आता है, भैया हमारा बचपन वहां गुजरा था, हम वहां पढ़े थे, वो हमारा गुरु क्या नाम है, गजपंथा हमारा कैरेक्टर का, चारित्र का निर्माण क्षेत्र है, वो याद आता है। आज कारंजा फेमस है, क्यों? कि कारंजा से हजारों लोग निकल चुके। जयपुर इसलिए सफल हो रहा है कि आज वहां से 500 विद्यार्थी निकल चुके और अब अनलिमिटेड भर्ती कर रहे हैं, जितने आएंगे सबको लेंगे, योग्य होना चाहिए बस। देखो आपने एक बात सुनी होगी, गवर्नमेंट बहुत मेहनत कर रही है शिक्षा के ऊपर, रोज विज्ञापन आता है पढ़ने जाओ, रोटी खा के भी पढ़ो, रोटी भी हम ही बना के खिलाएंगे, पढ़ो तुम तो। विज्ञापन सुने होंगे आपने, काम वाली बाई कब पढ़ेगी? रात को 8 बजे, तो 8 बजे पढ़ने की व्यवस्था कर रही है। 2 बजे पढ़ना चाहते तो 2 बजे पढ़ाने की व्यवस्था। माने एक एक आदमी को शिक्षित क्यों कर रहे हैं पता है? क्योंकि हमारी स्कीमें तब तक नहीं चलती, हमारे देश का विकास तब तक नहीं होता जब तक लोग पढ़ लिख के समझदार नहीं होते। ऐसे ही तत्व ज्ञान का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारी समाज के द्वारा पढ़ाए हुए विद्यार्थी देश भर में तैयार नहीं होते। हम तो सोचते भैया गजपंथा पर एक क्षेत्र नहीं बने, ऐसे पूरे हिंदुस्तान में हर जगह जैन संकुल हो, जैन मंदिर हो, जैन पाठशाला हो, क्या कहना चाहिए, हॉस्टल हो। मैं तो कहता हूँ भैया अभी बॉम्बे में भी बहुत गुंजाइश है महंगा तो पड़ता है लेकिन गुंजाइश बहुत है। मुझे बहुत लगता है रिलायंस वाले नाश्ता बेच सकते हैं, रिलायंस वाले सब्जी बेच सकते हैं, क्यों? ताजी सब्जी। और हम अपने जैन समाज को तत्व ज्ञान नहीं दे सकते? आए समझाया, बाहर से आने वाले कोई हो, ऐसे पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दिन का भोजन, अच्छी तत्व चर्चा, शिक्षा मिले, इसका बहुत बंदोबस्त हमारा करना नैतिक कर्तव्य है। ये मैंने ये सब बातें कही, आप सब फिर एक बार बधाई के पात्र हैं, और जो काम सुंदर हो रहा है मैं इस भावना भाता हूँ, बहुत जल्दी विद्यालय और हॉस्टल दोनों ही तैयार हो जाएं। पहले हॉस्टल होगा, धीरे धीरे विद्यालय भी होगा, विद्यालय की बहुत जरूरत है। यदि होगा तो ज्ञान दान के क्षेत्र में, जैसे हमारे खनिया थाना में स्कूल खुला है, आज बहुत गर्व होता है, हम लगातार 15 साल एक बच्चे को जैन धर्म की पढ़ाई पढ़ाते हैं, नर्सरी से बच्चे को अपना संस्कार मिलता है। एक मोमोडन जज आया है, मोमोडन मुसलमान, तो सबसे अच्छे स्कूल अपना माना जाता है वहां, तो वो अपने स्कूल में आए कि हमें अपना बच्चे को भर्ती कराना है। तो हमने कहा भैया देखो हमारा स्कूल में नमोकारमंद पढ़ना पड़ता है नमोकारमंद पढ़ना पड़ता है, यहाँ आलू और अंडे नहीं आ सकते। मालूम उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा कि आप मेरे बच्चे को यदि जैन मंदिर भी रोज ले जाएंगे दर्शन करने के लिए तो भी मेरा बच्चा आपके यहां पढ़ेगा। पर आज तक उस बच्चे, आपको विश्वास नहीं होगा, वो बच्चा जैन धर्म की पढ़ाई में टॉप किया, टॉप। आलू कभी नहीं लाया, अंडे कभी नहीं लाया, बोलो। हमारे जैन समाज के बच्चों को पीछे छोड़ा उसने। मैंने कई बार ऐसा अच्छा काम हो जाता है, बहुत आनंद आता है, तो आप ये काम जरूर करें। इसी के साथ अब अपन कक्षा प्रारंभ करते, प्रारंभ चर्चा। नमो जी नम हरिहंत देवालय,
अश्विनी भाई है, पधारो, आओ आओ नहीं, हमें तो देखा ही नहीं। बहुत बढ़िया, इस सुंदर कलश है 251 नंबर, आओ इधर इधर। 251 नंबर का कलश, वो कलश, हाँ कलश ही है। और उसका ट्रांसलेशन जो डॉक्टर साहब ने किया वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। संस्कृत सुनाने का टाइम बचाना चाह रहा हूँ आज, ताकि मैं चाहता हूँ कि 251 नंबर का एकदम सीधा हृदयंगम हो। देखो आप, जो मेल गया कार का धो डालने के भाव से, जो मेल गया कार, गया कार का धो डालने के भाव से, याद हो गया वो आपको, ज्ञान है और गया कार है, ज्ञान और गया कार है। बोल कौन सा चलना था कल, एक का, आज कौन सा चलना है, अनेक का, एक का और अनेक का, चौथा बोल चल रहा है, चौथा भंग अनेक का। ज्ञान में अनेक गियाकार होते हैं, झलकते हैं अनेक गियाकार, कल ये चर्चा हो चुकी है। तो अभी वह एकाकार ही है, ज्ञान एकाकार ही है, एक रूपी ही है, यहां तक की चर्चा कल को हुई। अभी उसको मिथ्या दृष्टि, सुनना ध्यान से, जो ज्ञान की अतिशयता थी, कल अतिशय शब्द आया था, अतिशय ज्ञान की स्वच्छता अतिशय है, उसमें गियाकार अनिवार्य 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 रूप से झलकते हैं, ये उसका अतिशय था। इसने, अज्ञानी ने उसको कलंक मान लिया। मैं बहुत परेशान हूं, जैसे अभी मैं बोलू अपन सामायिक करने बैठो, मैं ये बहुत परेशान हो जाता हूं, न जाने कहां कहां के विचार जानने में आते। तो गियाकार को क्या माना इसने, कलंक। आपके यहां गुजराती भाषा में तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन एक खुरापाती दिमाग होता है ना, खुरापाती दिमाग, जाने क्या क्या सूझती है, सूझती है, समझे, बुंदेलखंड साइड कहते हैं, जाने का औरती है, औरती है ना, अपने आप अंदर से ही ऐसे शांति से बैठे तो बैठने नहीं देता कोई, कोई मने ध्यान से सुनने जरा, वो गया कार शांति से नहीं बैठने देता, जाने कहां कहां के विकल्प आते हैं, जहां जहां के विचार आते हैं, ये भगवान बड़े परेशान हैं। अब तो समझ गए होंगे आप, वो अब पढ़ के सुनाता हूं। मैल, जो मैल को, मैल मैल मैल, गेयाकार का धो डालने के भाव से धो डालना चाहता है, क्या धोना डालना चाहता है, दृष्टांत के बोलू, क्या धोना चाहता है, ये दर्पण है और ये काला पर्दा है, तो दर्पण में क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, काला पर्दा। मिथ्या दृष्टि ने क्या मान लिया, अरे मेरा दर्पण काला हो गया, अब धो लो भैया, धो, तो धोने के लिए क्या करें, आप साबुन लगाएं, दर्पण में क्या लगाएं, साबुन लगाएं, क्या करें, सफेदा पोत दें, बाइट क्या करें, आहा हा हा। अब ये समझने की बात है, मिथ्या दृष्टि एकांतवादी, सर्वथा एकांतवादी क्या मानता था, मान रहा है जो गियाकार झलक रहे हैं वो मेरी मलिनता, अरे गजब हो गया, अच्छा होता, सुनना बहुत मार्मिक बात है, हे भगवान जैसे तो हमको ज्ञान ही नहीं होता, जैसे तो हम जानते ही नहीं, ध्यान से सुनना, गड़बड़ बाद में बताऊंगा खुलासा करके, आप क्या सोचते हो, जानता ही नहीं, एक गियाकार मने मलिनता को धो डालने के नाम पर ज्ञान का नाश करता है। फिर से बोलता हूं, फिर से समझो जरा, देखो भैया हमारी आंखों के सामने मत किया करो, हमें बहुत गुस्सा आ जाता है, पीठ पीछे तुम कुछ भी करो, हर पिताजी अपने बेटे से कभी ना कभी ऐसा कहते होंगे, नहीं भाई मेरे सामने तूफानी मत करो, पीठ पीछे तुम पढ़ो मत पढ़ो, तुम्हें जो दिखे सो करो, लेकिन मेरे आंखों के सामने, तो एक कहावत सुनी होगी हिंदी की है, आंखों देखी मक्खी नहीं खा सकते, आंखों देखी मक्खी नहीं खा सकते, पीठ पीछे तुम चाहे कुछ कर दो, क्यों, ये दो दृष्टांत ही बहुत है, ज्यादा नहीं कहता हूं, इसका मतलब ये जानने का इनकार करता है, क्या का इनकार करता है, प्रॉब्लम क्या आ जाती है, जैसे ही मैं जानता हूं तो क्रोध आ जाता है, जैसे ही जानता हूं तो राग हो जाता है, क्यों, जानने से राग होता है ना, होता है ना, देखो सड़क पर अच्छे खासे जा रहे थे, क्यों पार्थ, और खुशबू आ गई चाट पकौड़ी की,
तो अट्रैक्शन हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो जानने से ही तो हुआ, इसलिए आंख बंद करके चलना चाहिए, नाक बंद करके चलना चाहिए, नहीं क्या करना चाहिए? क्यों अच्छे अच्छे कपड़े देख लेती महिलाएं तो झट राग उत्पन्न हो जाता है, ना देखते ना जानते ना राग होता, जानना बंद कर देना चाहिए। पॉइंट पकड़ना जरा, ये जानने को जो गियाकार हो रहे ना, गियाकार इसको मलिनता मान रहा है। अब तो समझ आ गया ना, हम जानते और ना हमको राग देश होता, पूर्व भव का हमें याद नहीं तो कुछ राग देश नहीं होता, समझ गए? इसलिए ये भूल जाना चाहता है, भुला देना चाहता है। इस तरह ये गियाकार को रोक करके ना होता तो, ना होता तो कम से कम मैं शांति से रहता, शांति से रहता। मैंने अब भाव पढ़ू, अब तो पढ़ू, जो मैल गियाकार का धो डालने के भाव से स्वीकृत करें एकत्व को एकांत से बेनष्ट हो। ये क्या करना चाह रहे? एकाकार हो जाना चाहता है, एकाकार माने ज्ञानाकार हो जाना चाहता है। ज्ञानाकार होने के लिए क्या चाह रहा है? ज्ञान मात्र रह जाने के लिए क्या करना चाहता है? एक होने के लिए क्या कर रहा है? जो गियाकार हो रहा था ना उसे मिटाना चाहता है। मैं बहुत सरल सीधी भाषा में कहूं तो ये इसे पर्याय स्वभाव पसंद नहीं। क्या पसंद नहीं इसको? ये पर्याय, ध्यान से सुनना, इसे पर्याय क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि ये पर्याय का सुंदर स्वरूप नहीं जानता। क्या कहा? पर्याय को मिटा करके द्रव्य बन जाना चाहता है, एक बन जाना चाहता है। लेकिन ध्यान रखना, उत्पाद व्यय ये भी वरदान है और द्रव्य स्वभाव, द्रव्य स्वभाव ये भी वरदान है। अज्ञानी काय का ज्ञानी है? ना तो उत्पाद व्यय को जानता है, ना द्रव्य को जानता है, ना तो द्रव्य स्वभाव को जानता है, ना पर्याय स्वभाव को जानता है। पॉइंट पकड़ना। इसीलिए या तो इसे द्रव्य पसंद नहीं आता या पर्याय पसंद नहीं आती, या फिर ये पर्याय मिटा करके द्रव बन जाना चाहता है, माने कुछ ना कुछ करना चाहता है। समझ में आ रहा है कुछ? समझ में आ रहा है कुछ? फिर से सुनो, स्वीकृत करे, क्या स्वीकार कर रहे हैं? एकत्व को क्या मिटा करके? गियाकार माने पर्याय, गियाकार माने पर्याय, हा मिटा कर क्या करना चाहता है? हे भगवान, ना मेरे को अनंत गियाकार बनते और ना मेरे को रागाधिक द्वेष आदि उत्पन्न होते। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों पूरे हिंदुस्तान में एक ही कलर का कपड़ा मिलता, एक ही क्वालिटी का, तो अपन सिलेक्शन करते, राग करते नहीं करते? अब इतने सारे हैं तो राग तो हो गई। समझाते हैं, देखो, अनेकत्व को जो जान कर भी एकता छोड़े नहीं, फिर से, अनेकत्व को जो जान कर, अनेकत्व मन या पर्याय स्वभाव? गियाकार, अनेकत्व मन गियाकार पर्याय स्वभाव को जान कर भी एकता छोड़े नहीं। पर्याय दृष्टि से देखने पर अनेकाकार, गियाकार देखने पर अनेकाकार, लेकिन ज्ञान रूप से तो उस समय भी वो एकाकार ही है, एक एक ही है। अनादि अनंत द्रव स्वभाव की ओर से देखा जाए तो ज्ञान 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 एक ही है। एक होना है कि एक है? एक है वो जानता नहीं। आगे आगे देखो, बेस्याद वादी स्वता छालित प्रक्षालित, छालित छालित समझ गए, अर्थ करता हूं भैया ना, तत्व का अनुभव करें। बेस्याद वादी स्वतः छालित तत्व का अनुभव करें। अब दृष्टांत सुनो, पहले तो एक बात समझो, जिन वाणी में व्यवहार नहीं से ज्ञान में चारित्र का जो राग होता है ना, मल चारित्र का मल मोह राग द्वेष, उसका आरोप करके ज्ञान को भी बुरा कहते हैं। आरोप आरोप उपचरित
फिर से बोलना, पॉइंट पकड़ना। यदि ये पॉइंट पकड़ गए तो फिर सब समझ आ जाएगा आपको, ज्ञान निर्दोष है कि सदोष है, ज्ञान का जानना सदोष है कि निर्दोष है। निर्दोष है, ज्ञान गेहूं को जानता है वो सदोष है कि निर्दोष है। अच्छा, दुश्मन को जानता है ये सदोष है कि निर्दोष है। निर्दोष है, पहले नंबर निर्दोष है। लेकिन अब अपन सभी प्रैक्टिकल क्या करते हैं, बुरी चीजों को नहीं जानना चाहते। क्यों? दुश्मन को नहीं जानना चाहते, हित क्यों नहीं जानना चाहते? गुस्सा आ जाता है, मैं गुस्सा नहीं करना चाहता। अक्सर आप लोग कहते हो, क्या बताएं पंडित जी, कोई गुस्सा करना चाहता है? मैं पत्नी से बहुत कहता हूं, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करना चाहता, लेकिन तुम गुस्सा बहुत दिलाती हो। गुस्सा कौन दिला देता है? गुस्सा कौन दिला देता है? पत्नी, बच्चे, कौन कौन दिला देता है? मैंने हजार बार कह दिया, पूरा घर सिस्टमेटिक कर दो, मुझे गुस्सा नहीं आएगा। किस किस को सिस्टमेटिक कर दें? किसको करें बोलो? पहले स्वयं सबको सिस्टमेटिक देखना सीख। दिक्कत क्या है कि तू अपने ज्ञान की योग्यता के अनुसार सारे गेहूं की व्यवस्था बनाना चाहता है। अनंतानुबंधी की पीड़ा है, कभी नहीं मिलेगी शांति, कभी नहीं मिलेगी। वो नष्ट होता है, ये लिख रहे नष्ट होता है। तो अब क्या करें? सुनो, एक्चुअली होता क्या है, ज्ञान है ना लीडर है, ज्ञान लीडिंग है ना, लीडिंग करने वाला। तो उसके जानने के बाद चारित गुण में राग उत्पन्न होता है। राग है कलंक, कलंक का है राग, द्वेष, मोह, ये चारित मोह है ना, चारित मोह। कलंक तो वो है, लेकिन वो दिखता तो ही नहीं। मैंने इनको देखा तो राग हो गया, इन्हें देखा तो द्वेष हो गया, इन्हें देखा तो खाने का भाव हो गया, इन्हें देखा तो गुस्से में फेंक देने का भाव आया। तो अपने क्या लगता, ना मैं देखता और ना मुझे ये कष्ट होता। तो अब गड़बड़ क्या कर डाली इसने, अभाव तो करना था वस्तु स्वरूप जान करके मोह का, अभाव तो करना था मिथ्यात्व का, लेकिन इसने तो ज्ञान बंद कर दिया। पॉइंट पकड़ में आ रहा कुछ? ज्ञान रोकने का उपाय करके ये सोचता है कि अब मैं निर्मल हो गया, प्रक्षालित हो गया। क्या बढ़िया उत्तर दे रहे हैं। सियादवादी क्या करता है बोलो? अब सियादवादी क्या करता है, वो कहता है, वो तो ध्यान से सुनना शब्द क्या लिखा है। सियादवादी तो स्वतः छालित, स्वतः छालित माने ऑटोमेटिक पवित्र, ऑटोमेटिक पवित्र, समझ गए, स्वयं पवित्र है ऐसा अनुभव करती हैं। दृष्टांत देखो, इधर बहुत सरल, एक दर्पण और एक काला पर्दा। दर्पण कितना परसेंट काला हो गया? सही सही बोलो, कितना काला दिख रहा है? कितना काला दिख रहा है? एक कितना काला दिख रहा है? है झूठे, दर्पण 100% काला दिख रहा है। ये दर्पण है, ये सामने काला पर्दा है, तो दर्पण कैसा दिख रहा है? हाँ ऐसे बोलो ना, काला दिख रहा है। अब ये प्रश्न है, काला हो गया, अब मिथ्या दृष्टि से काला मान लेता है, तो पहले तो वहां से सरका सरका के साफ करता है, फिर वो पानी डाल देता है, फिर पत्थर मारता है, क्या करें बोलो? साबुन लगाएं, क्या करें? भैया तू इसके कालेपन को दूर करने के चक्कर में दर्पण नष्ट कर देगा, जितने उपाय करेंगे उससे दर्पण का नाश हो जाएगा। दृष्टांत एक देश हो, यहां शुद्ध ज्ञानन जानन स्वभाव का नाश होता है, शुद्ध जानने की क्षमता का नाश होता है, योग्यता का नाश होता है। आहा, सीधे कहे तो केवल ज्ञान का घात होता तेरे। तो आप क्या करें, क्यों क्या करें? आगे दर्पण काला दिख रहा है, तो फिर आप सफेद कैसे करें ये बताओ? हैं? अब हम फिर से पूछ रहे हैं, और ये हमें मालूम था पर्दा हिलाएंगे लोग, लेकिन हमारे दृष्टांत में पर्दा हिला नहीं सकते। यू कांट टच कर्टेन, आप पर्दे को छू नहीं सकते। अब बताओ इस काले पर दर्पण को सफेद कैसे करें? नहीं हटा दे यही गड़बड़ तो अनादिकाल से जीव ने करी, क्यों से नहीं हटा सकते? तो अपन ही हट जाओ। यही समझाना है कि भैया पहले ये बोल कि काला दिखता है कि काला हो गया, काला दिखता है लेकिन काला हुआ नहीं है, इसलिए उसको सफेद करने की जरूरत नहीं है, उसे प्रक्षालन करने की जरूरत नहीं है। इसका नाम है स्वतः छालित,
जिस समय कालापन दिख रहा है उस समय तो उस दर्पण की निर्मलता है, वो ज्वलता है। इस दीवार में क्यों नहीं झलकता और दूसरी जगह क्यों नहीं झलकता? क्यों उसमें वो स्वच्छता नहीं है? अरे दर्पण की स्वच्छता का नाश मत कर। बोलूं, खुलासा करूं? जब सामायिक करने बैठती हूं ना, जब जितने ज्यादा विकल्प आते ना आपको नाना प्रकार के, उससे ये मालूम नहीं पड़ता कि तुम पापी हो, उससे ये मालूम पड़ता कि तुम्हारे ज्ञान की उज्ज्वलता है। क्या कह रहे? तुम ज्ञान में से ज्ञाकार मिटा करके निर्मल होना चाहती हो। पंडित जी, सामायिक करते समय पत्नी का ध्यान तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, बच्चों का बिल्कुल नहीं आना चाहिए, और कम से कम शरीर का तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और अपन मानो क्या तकलीफ पाते हैं, वो क्या बताएं? पत्नी का बहुत रुचि है ने, राग है ने, मोह है ने, और शरीर में बहुत ममता है ने, इसलिए जानने में आता है। इसलिए नहीं, वो ज्ञान की उज्ज्वलता की वजह से जानने में आते हैं, मोह के कारण नहीं जानने में आते। क्या कह रहा हूं? वो ज्ञान की उज्ज्वलता। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? अच्छा बोलो, तुम्हें यदि सामायिक करने बैठो, खूब संकल्प विकल्प हो दुनिया भर के, तो अपन ज्ञान की उज्ज्वलता मानते हैं कि कलंक मानते हैं? इसीलिए हम सामायिक नहीं करते, जो टेंशन ही टेंशन, इतना विकल्प आते हैं हम हैरान हो जाते हैं। मैंने तो कई बार आपको एक्टिंग करके भी बताई कि कोई ऐसी शांति से नहीं बैठते, ऐसे बैठना चाहिए बिल्कुल। कैसे बैठना चाहिए मैं बता दूंगा अभी यार। अभी ऐसे बैठता है और फिर कोई थोड़ी देर में नमोकार मंत्र पढ़ लिया, और जो पढ़ना था पढ़ लिया, और थोड़ा बहुत विचार कर लिया, और इतने में विकल्प आने लगे जो भी कुछ। हाँ, आक्रमण ख्याल भी हुआ गया कार का सोई हुए। हो गया रहा दीदी, ए तू ज्ञान की स्वच्छता को नहीं जानता। जैसे दर्पण में चाहे जितनी चीजें झलक जाएं, हमें दर्पण के बारे में डाउट नहीं होता। हम दर्पण को ऐसे से नहीं करते, ए भैया कालापन हटाओ, ए कुछ करना ही नहीं है। दर्पण में कालापन झलकता तो है, लेकिन दर्पण काला नहीं होता। ऐसे ज्ञान त्रिकाल, ओहो हो, त्रिकाल में उस ज्ञान पर आएगी जानने की योग्यता, वो निर्मल है। वो ज्ञान स्वभाव से, देखो कल तो कहा था ज्ञान सामान्य की चर्चा हुई थी, और आज कह रहे हैं ज्ञान में जो ज्ञाकार बनते हैं वो ज्ञान का कलंक नहीं है। अभी समझाऊंगा आपको थोड़ा ये सब। एक बार बताओ, यदि आपको अपनी गलतियां दिखाई दे जाती हैं तो उसे हम ज्ञान की खराबी माने कि अच्छाई माने? कितना बढ़िया ज्ञान है आपका, जो आपको स्ट्राइक करता है पर डे। एक चोर चोरी करने जाता है ना, तो उसका ज्ञान स्ट्राइक करता है, इट इज नॉट गुड। जब आप झूठ और मायाचारी बोल करते हैं ना कभी, तो अंदर में कोई कहता है ये अच्छा नहीं कर रहे आप। जब आप कोई गलत चीज खाने पीने की सोचते हो ना, प्लान बनाते हो गलत, तो अंदर में कोई ज्ञान है तुम्हारा जो स्वच्छता रोकता है। अब मैं पूछता हूं, ज्ञान अच्छा है कि खराब है? वो तो उसकी स्वच्छता है जो तुमको इंडिकेट करता है। लेकिन हमें तो ऐसा लगता है, ना मैं जानता और ना मैं डरता, तो निडर होके कहां चले जाते? तो देखो, वृक्ष है ना, निडर है वृक्ष, एकेंद्री, उन्हें कोई भय नहीं लगता। ऐसे होना है, ध्यान से सुनना, जानने का निषेध, ज्ञाकार का निषेध करने वाला एकेंद्री में चला जाएगा। आ क्या कह रहे? झाड़ बनना है झाड़, ए एकेंद्री दो इंद्री बनना है। ज्ञाकार का ना, क्या गजब बात, समझ में आ रहा कुछ? फिर से समझो, बाहर की तो बात ही नहीं चल रही है, यहां तो ज्ञान में जो झलक रहा है ना ज्ञाकार, जो सोचता है कि ना ज्ञान ऐसा होता ना झलकता। देखो एक सरल एग्जांपल दूं आपको तो समझ में आएगा। कई लोग बड़े खुश होते हैं, देखो भैया हमें तो शास्त्रों का पता ही नहीं कि आलू में जीव है, इसलिए हम आलू खाएं तो हमें पाप नहीं लगेगा। अब जो पंडित लोग हैं ये जानते हैं आलू में जीव होते हैं, अब ये खाएंगे तो इनको पाप लगेगा। अज्ञान में पाप नहीं लगता ने? नहीं लगता ने? मैं एक प्रश्न पूछूं, क्यों? अज्ञानता में कोई जहर खाए तो नहीं मरता है ना? मरता है क्या? नहीं मरे, ऐसे कैसे मरे? वो कह हमें मालूम ही नहीं। अज्ञानता में कोई अग्नि में हाथ डाल देता हो, वो कैसे जलेगा बेचारा, उसे तो पता ही नहीं था। स्वामी जी एक बहुत सुंदर वाक्य बोलते थे, अज्ञानता ते बचाव न थी, अज्ञानता ते बचाव न थी, बचाव न उपाय न थी। आ
बंबई में आके कोई मोटरसाइकिल चलाए या कार चलाए गांव का व्यक्ति, रॉन्ग साइड जाएगा तो पकड़ा जाएगा। अब के मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे मुंबई के कानून कौन कौन से हैं, रूल रूल्स कौन से कौन से। अरे तो भैया पहले तू घुसने से पहले सीख के आता घुसने से पहले सीखना था तुझे, समझ में आ रहा है कुछ आपको? यहां गयाकार को जानने को तुम पाप समझते हो, कलंक समझते हो, इसलिए तुम पर्याय स्वभाव को नहीं समझते। पर्याय स्वभाव का जो अतिशय था उसे नहीं समझते, तो उस अतिशय के विरुद्ध सोचते हो। नहीं जानता तो अच्छा, आपको मालूम है ये वो वाला टॉपिक चल रहा है, हम सब की प्रॉब्लम है, नहीं है ऐसा नहीं समझना। बौद्ध मत है ना, बौद्ध मत उसका समाधान है जी, बौद्ध मत का समाधान है। बौद्धों ने क्या माना मालूम है? बौद्धों ने क्या माना? मोक्ष होगा तो ज्ञान का सत्य नाश करके होगा, मोह का नाश करके नहीं। कौन का सत्य नाश करके? किसका नाश करके? ज्ञान खत्म कर दो, क्योंकि सारे दुख की जड़ है ज्ञान। और समझ तो गए हो गया, जानते से राग, जानते से द्वेष, जानते से न जानो, सूरदास जी की तरह आंख खोल लो, न दिखेगी स्त्री न तकलीफ होगी। ए भैया समझ में आ रहा कुछ? इस तरह तुम ज्ञान का नाश करते हो, तो अब हम क्या करें फिर समझो? ज्ञान में जो कुछ झलकता है वो तेरी कलंक नहीं है, वो स्वच्छता है, निर्मलता है, वो तो उसकी योग्यता में झलकती है, वो तो बहुत पवित्रता है। उसका विरोध करने वाला बौद्ध बन जाएगा। अब ज्ञान का पूरा नाश तो नहीं कर सकता, तो एक इंद्रिय में चला जाएगा, निगोद में चला जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो फिर पंडित जी परीक्षा ले लूं क्या? परीक्षा ले लूं, समझ में आ गया हो तो? क्यों SMS आया मोबाइल पर, फादर एक्सपायर्ड। क्या आया? पिताजी गुजर गए। बोलो, कल गुजरे थे लेकिन मोबाइल पर मैसेज आज मिला, तो कल से अभी तक मालूम नहीं था तो दुख था क्या? नहीं था, तो जानने से ही दुख हुआ ना जानने से ही दुख हुआ यदि 3 दिन मैसेज नहीं मिलता तो अपन दुखी होते क्या? इसका मतलब पिताजी के गुजरने से तो तकलीफ होती नहीं, पिताजी के गुजरने की तकलीफ थोड़ी है। क्या की तकलीफ है? ज्ञान की। ये लॉजिक बौद्ध मतानुयायी देते हैं, ना जानोगे मोक्ष हो जाएगा खत्म। जान नहीं, सारी आत्मा में सबसे गंदी चीज है ज्ञान, ऐसा कहते हैं भाई। अब मैं एक बात पूछूं आपको, ज्ञान दुख का कारण है कि राग दुख का कारण है? अब असली कलंक राग को तो मिटाता नहीं, ज्ञान स्वभाव को जानता नहीं ना। मैं जानू बस, ए रोज की प्रॉब्लम है। बोलूं थोड़ा? बोलूं? जब आपको अनवांटेड थॉट्स आते हैं तो आप उसको मजे से जानते हो, सहजता से जानते हो, अकर्ता अभोक्ता भाव से जानते हो, या उनको अवॉइड करना चाहते हो, लेट गो करना चाहते हो, और ये सोचते कि चलो भक्तामर पढ़ो, चलो भैया समय साजी का स्वाध्याय करो, चलो गुरुदेव की सीडी सांभो, क्या करने लगते हो? प्रश्न समझ में आया? हटाना चाहते हैं ना, उसका निषेध करना है। अरे उसको जान करके भी, ज्ञान को ज्ञान जान और ज्ञेय को ज्ञेय जान, ज्ञेय जानने में आ रहे हैं उससे उसी समय भिन्न जान, क्या करना है? भिन्न जान। एक सरल दृष्टांत दे, जल्दी समझ, अभी दृष्टांत के बिना समझ में नहीं आता। क्यों? घर में चोर घुस गए हो, लुटेरे घुस गए हो, अपने पता लग गया, अब अपने घबराहट हो रही है, तो इससे बचने का क्या उपाय? कि ना उधर देखो कि चोर कहाँ गया, क्या कर रहा है, क्या क्या खोल रहा है, देखो ही मत। अपन तो यार टीवी खोल के आराम से मैच में व्यस्त हो जाओ, ना अपने को उधर उपयोग जाएगा, ना लुटने का कष्ट होगा। ठीक है? ठीक है? ऐसा उपाय है। अरे तेरे ज्ञान में जो राग जानने में आए, द्वेष जानने में आए, मोह जानने में आए, गेय जानने में आए, अट्रैक्शन जानने में आए, आहा तू वहां पर वस्तु स्वरूप को जानकर, द्रव स्वभाव को जानकर, पर्याय स्वभाव को जानकर, एकत ममत कर्तत भोक्तत का भिन्न त्याग करके
भगवान को भगवान देख, ज्ञान को ज्ञान देख, मां तो ज्ञान मात की निर्मलता है। आ रहा समझ में आ रहा है? ओ निर्मलता देखे तो राग मिट जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों, क्या करना चाहिए? पूरा टेंशन लगा के चोर को देखना चाहिए कि भुला देना चाहिए चोर को? कि अब कैसे उपयोग ये लगाओ कि इस चोर से अपन कैसे बचें, ऐसे ही बंद से कैसे बचें, तो राग से भिन्न कैसे देखें? देखें हो राग से भिन्न करना है कि राग से भिन्न देखना है? ये आकार से भिन्न करना है कि ये आकार से भिन्न देखना है? ओहो भेद विज्ञान करो। समझा रहे कुछ नहीं? क्या करना बोलो? माने पूरी पूरी शक्ति ज्ञान स्वभाव की मात्र भेद विज्ञान में लगा देने लायक है। बहुत सारे ऐसे विचार है, जैसे समझ लीजिए आपको कमाने का बहुत विकल्प आ रहा है। मैं सोचता हूं कि कमाने का विकल्प आ रहा है तो एक दो घंटे आप बैठ के कमाने की सोचो, कितना कमाना है और कैसे कमाना है, न्याय नैतिकता से कमाना है कि अन्याय से कमाना है, और आवश्यकता कितनी है आपकी, पूरा एक बार विचार कर लो। आजकल इसको बहुत अच्छा सब चलता है मार्केट में। आप अपनी लाइफ को डिजाइन करो, सुना है आपने? आप अपना जीवन का ब्लू प्रिंट तैयार करो। ब्लू प्रिंट सुना ना? ब्लू प्रिंट तैयार करो, प्लान प्लान तैयार करो, कितना कमाना है, कैसे कमाना है, उसमें अपने देव गुरु धर्म की सट आवश्यक की रक्षा होनी चाहिए, न्याय नैतिकता की रक्षा होना चाहिए, भेद विज्ञान की रक्षा होना चाहिए, तत्व अभ्यास होना चाहिए। अब प्लान करो, आप जाओ, आपको कभी आकुलता नहीं होगी। हम क्या करते हैं, सच बताऊं आपको, मिलान करके देखना अंतर में, हम अपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, विकल्पों को, अभिप्राय को, चाहे ना जिसको कहते हैं, चाहे ना एक्सपेक्टेशन जिसको कह देते हैं, उनको सॉल्व करे बिना छोड़ते चले जाते हैं। इंग्लिश में कहते हैं लेट गो नेचर। क्या कह रही? कौन सा नेचर? ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको, मेरे दृष्टांत दे। कोई कोई हस्बैंड इस साइड इस तरह के होते हैं, आदमी घर में बच्चे को ताव चढ़ रहा है 102, अब उनके जिसको देखेंगे तो विकल्प होगा, फिर अभी फीस चुकानी पड़ेगी, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, ऑटो बुलवाना पड़ेगा, बहुत विकल्प है भैया। अपन तो निर्विकल्प रहो, जो क्रमबद्ध में हो तो ठीक। अब बच्चे की बीमारी का अनसॉल्व करके छोड़ दिया आपने, सॉल्व नहीं किया आपने, अब कुछ और में लग गए, प्रॉब्लम दूसरी आई, घर में शक्कर खत्म हो गई, अब वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी, तुम लाओगे कि नौकर लाएगा कि कौन लाएगा, सॉल्व नहीं करी। ऐसे एक एक करके आप सैकड़ों प्रॉब्लम्स अनसॉल्व छोड़ देते हो। अब मुझे आप बताना, आप परेशान होगे कि मजे में रहोगे? स्वाध्याय कर पाओगे? अब रह पाओगे? बस यही गंदी आदत हमारी, आत्मानुभूति के मामले में, तत्व अभ्यास के मामले में, सेट आप चाहे कोई सा प्रोग्राम, आप उन थॉट्स को सॉल्व नहीं करते। कैसे नहीं सॉल्व करते? इसको भाषा में सुनाऊं आपको, संशय विभ्रम अनद्य वशाय, अनद्य वशाय, ये अनद्य वशाय नाम की प्रॉब्लम बता रहा हूं आपको भूपेंद्र भाई। कौन सी? अनद्य वशाय। बताओ अंतर में तुम्हें मोह राग देश चल रहा है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कि नहीं करना है? तो हम क्या सोचते हैं, अरे भैया क्रमबद्ध है, तो कैसा क्रमबद्ध है? अब वो तो जानने में आ रहा है लेकिन हम करता नहीं है, तो मैं तुम दुखी क्यों? अकर्ता देख रहे तो दुखी क्यों? हटाना क्यों चाहते हो? अकर्ता हो तो एक बहुत अच्छा दृष्टांत देखिए, फिर कहूंगा आपको। किसी ने मर्डर किया तो आप उस मर्डर को हटाते हो, डेड बॉडी को हटाते हो? आप हटाते हो, चक्कू हटाते हो, मां सफाई करते हो, खून फैल गया सफाई करते हो, आप क्या करते हो? आप अकर्ता हो तो तब तक पेशेंस रखो जब तक पुलिस आके देख नहीं ले, भाई दबे तुमने सबूत मिटाए, तो पहला डाउट तो ये होगा कि तुमने किया था क्या ये मर्डर, यही होगा ना? और यदि तुम अकर्ता थे तो तुमने सबूत मिटाने की कोशिश ऐसे ही, यदि तुम रागादि के घियाकार के अकर्ता हो तो तुम उसे हटाने का प्लान क्यों बना रहे थे? पॉइंट पकड़ में आया कुछ? फिर से क्या बोला? गयाकार से समझ गए? गयाकार, अब गयाकार तो बार बार नहीं समझाना पड़ेगा, गयाकार बन रहे हैं उसमें ज्ञान की स्वच्छता है, उसकी तो कुछ है ही नहीं, परद्रव्य तो उसमें कोई किंचित मात्र भी कुछ करता नहीं है,
तो अब अकर्तत्व दिखाई दे रहा हो, ज्ञानाकार स्वच्छता दिखाई दे रही हो, तो मिटाने की भावना क्यों करते हो? मैं थोड़ा और सरल करूं, सर्वज्ञ भगवान है ना, सर्वज्ञ भगवान, उनके ज्ञान में कितने लोग की गंदगी दिखाई देती है, कितने कितने जीवों के मोह राग द्वेष जानने में आते हैं, बोलो। अच्छा ठीक है, तो अब तुम्हारे ज्ञान में भी तुम्हारा मोह राग द्वेष झलकता है, और अनंत भगवान के ज्ञान में भी सबका झलकता है, उनका नहीं झलकता, तो झलकना गंदगी है ना, झलकना गंदगी है ना। जब हमारे ज्ञान में इतना सा झलकता तो हम इतने परेशान और गंदे हो गए गंदे हो गए क्यों? तो भाई सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में तो तीन काल के सारे जीवों की झलकते हैं। एक पॉइंट और बोलूं भूपेंद्र भाई, आपने भूतकाल का तो झलकता ही होगा आपने अपने भूतकाल का तो झलके गई, तो फिर कैसा लगता होगा? क्यों हमें मालूम पड़ जाए पिछले भाव में, सुनो कल्पना करो, अभी आप सबको पता लग जाएगा कि सुमत प्रकाश जी तो नरक से आए, तो आपका जायका कड़वा हो जाएगा। और यदि ये मालूम पड़ जाए कि सुमत प्रकाश जी पिछले भाव में सप्तव्यसनी थे, वेश्यागामी थे, ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे, तो क्या हो जाएगा आपका जायके का, ज्ञानकार का क्या होगा? क्या कमाल, समझो ए समझो भैया, फिर सुनो, ज्ञान ज्ञाकार के काल में भी ज्ञानाकार को नहीं छोड़ता, माने स्वच्छता को नहीं छोड़ता। इसीलिए 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 भूतकाल के ज्ञाकार से भी भगवान मलिन नहीं हुआ था, भूतकाल में भी मलिन नहीं हुआ था। ज्ञान तो ज्ञान है। देखो दिक्कत क्या है, वो दोष जो था ना राग द्वेष मोह, जिसे अपन बंद का हेतु कहते हैं, जिसको गंदा कहते हैं, मलिन कहते हैं, आचार्य देव ने असुचि कहा, विपरीत कहा, दुख का कारण कहा, वो तो किसको कहा था? आश्रम को कहा था, वो तो रागादिक भावों को कहा था, और इसने किसको मलिन मान लिया, किसको मलिन मान लिया? ज्ञान को। ऐसे नाश को प्राप्त होता है, जबकि सम्यक दृष्टि तो स्यादवादी तो ज्ञानी तो स्वतः छालित तत्व का अनुभव करे। एक बहुत सरल दृष्टांत दूं तो आपको समझ में जल्दी आएगा। आपको आपके दुश्मन का फोटो दिखाया जाए तो क्या करोगे आप? गुस्से में फाड़ दूंगा, ये गड़बड़ कर रहे हो, ये दुश्मन थोड़ी है, फोटो दुश्मन है क्या? समझ आया? एक बार पाकिस्तान भारत से हार गया था वर्ल्ड कप में, नहीं और किसी से हारा होगा, हार गया था, लेकिन भारत से हारा था किसी चीज में, माने क्रिकेट में ही। अब हाँ, तो इतना गुस्सा आया दर्शकों को कि उन्हें टीवी में गोली मार दी। अरे टीवी में गोली मारने से कौन का नाश हुआ? भारत का। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ओ सुन भैया सुन, पर गेयों से बाहर के गेयों का तो तू कुछ कर सकता ही नहीं, तेरे ज्ञान में गे झलकते हैं तो तुझे गुस्सा आता है, तो तू इस ज्ञाकार से बदला लेता, माने ज्ञान को नाश करता है। टीवी का नाश करते माने वो ज्ञान का नाश करता है। अरे रे गजब हो गया, बहुत बहुत समझ में आ रहा कुछ नहीं? अनेकाकार ज्ञाकार, सीधी सरल भाषा में कहे तो इसको पर्याय स्वभाव पसंद नहीं है। पसंद क्यों नहीं है? कि पर्याय की निर्मलता को नहीं जानता, पर्याय की योग्यता को नहीं जानता, पर्याय के स्वरूप को नहीं जानता। फिर से बोलो भैया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ज्ञान स्वभाव और ज्ञाकार, ज्ञाकार। फिर से चलो दर्पण में, ए बच्चों के लिए सरल करें थोड़ा सा, यदि अपन दर्पण ऐसे रख दें तो चंद्रमा झलकेगा कि नहीं झलकेगा? झलकेगा। तो चंद्रमा आ गया ना इसमें दर्पण में, चंद्रमा आ गया नहीं? जिनवाणी में दृष्टांत है, दर्पण के सामने अग्नि जले तो दर्पण में क्या हो जाएगा? दर्पण में कितना गर्म हो जाएगा? दर्पण में अग्नि, अग्नि झलकेगी, दर्पण कितना गर्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा गर्म नहीं हो जाएगा। हाथ लगा के देखो। अच्छा आइसक्रीम, आइसक्रीम झलकेगी तो ठंडा हो जाएगा? नहीं होगा।
जैसे तुम्हें ज्ञान की वो दर्पण का, जैसे दर्पण का दृष्टांत समझ में आता है, ऐसी इसमें समझो भैया, यह समझो, आहा ज्ञान तीनों काल निर्मल 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 है, आहा इसमें ये झलकते तो हैं, लेकिन तुमने राग से मित्र मान लिया और द्वेष से शत्रु मान लिया। वास्तव में शत्रु मित्र कौन है, कौन है? देखो मैं एक दृष्टांत दूंगा आपको, युवाओं का दृष्टांत दे रहा हूं, थोड़ा युवाओं का, क्यों पाकिस्तान यदि जीत जाए तो अपने गुस्सा आएगा नेचुरली, बताना अभी यहां से नहीं सोचना, पाकिस्तान जीत जाए तो गुस्सा आएगा कि राग आएगा, उसको गुस्सा आएगा। अच्छा अब मैं घुमाता हूं दृष्टांत, अपन पाकिस्तान, अपन ऑस्ट्रेलिया से हार गए और ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान ने हरा दिया, अब कैसा लगता है, है? नहीं नहीं, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, ऑस्ट्रेलिया ने अपने को हराया था, अब कैसा लग रहा है, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे, इसने हमें हराया था। देखो गजब, शत्रु का शत्रु मित्र हो जाता है शत्रु का शत्रु, हम ऑस्ट्रेलिया से बहुत परेशान हो गए हो, पाकिस्तान वाला उनको करते हुए बढ़िया, अब ठीक रहा, अब शाबाशी किसको दोगे आप? तो इसका मतलब कोई परमानेंट शत्रु नहीं, ये कहना है हमें, कोई मैच नहीं दिखाना, कोई पाकिस्तान हमारा परमानेंट शत्रु नहीं है, जैसे तेरा विकल्प बदल जाता है तो मित्र लगने लगता है तुझको, समझ आया कि नहीं आया? इसका मतलब तेने अपने ज्ञान की योग्यता में ऐसा जाना और चारित मोह में, चारित मोह जिसको कहते हैं, चारित गुण में विकार उत्पन्न हुआ, राग रूप या द्वेष रूप, सही बताएं, सारे विश्व में एक भी पदार्थ अनुकूल प्रतिकूल नहीं है, सारे विश्व में एक भी शत्रु और मित्र नहीं है, मात्र तेरे राग है तो मित्र का आरोप जाता है और तुझे द्वेष उत्पन्न होता है जानते ही, जानने के कारण नहीं, ए जानने के कारण नहीं, जानते ही चारित में द्वेष उत्पन्न हुआ तो शत्रु कहलाए, ए शत्रु और मित्र की परिभाषा बोलो भैया, बोलो कितने शत्रु हैं आपके, कितने शत्रु हैं बताओ, कितने शत्रु हो सकते हैं, लॉट ऑफ, अनंत हो सकते हैं, यदि घड़ी आप घड़ी से राग हो जाए तो अब अंदर अंदर ये भाव चले, कोई भी चुराएगा तो मैं हाथ पैर तोड़ दूंगा, कोई भी इसे देखेगा तो हाथ आंख फोड़ दूंगा, और किसी ने हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा, अब कितने लोग हाथ लगाए इसे, जितने लोग लगाएंगे उतना से द्वेष हो जाएगा, बता भाई ये शत्रु क्यों बने जी, सब ये सब शत्रु क्यों बने, आगे समझ में आया? अब मैं फिर पूछ रहा हूं, तो चारित्र में राग उत्पन्न हुआ घड़ी के प्रति, इसलिए सारे शत्रु खड़े हुए, वास्तव में देखा जाए तो कोई शत्रु, आ हा हा, समझ में आ रहा कुछ, असली कलंक को तो मिटाता नहीं, असली, समझ में आ रहा कुछ, हा हा, देखो गजब, हम अपने राग से परेशान हैं और राग की पूर्ति घर में हो नहीं सकती, ग्रस्त जीवन में राग की पूर्ति नहीं हो सकती, इसीलिए जो पत्नी अच्छी लगती थी वही बुरी लगने लगती, वही बच्चे बुरे लगने लगते हैं, वही पड़ोसी बुरे लगने लगते हैं, वही फ्लैट जो आपने बहुत अच्छा समझ के खरीदा था वही बुरा लगने लगता है, बढ़ाते जाओ, कभी तुमको ऐसा लगता है ना ये राग होता, ना ये राग होता और ना ये सब शत्रु खड़े होते, मैंने प्रतिकूलता द्वेष खड़े होता, अब और आगे चलना थोड़ा सा आगे, राग होता कि नहीं होता, राग क्यों उत्पन्न हुआ, राग क्यों उत्पन्न हुआ, ये मिथ्या मान्यता के कारण, ज्ञान के कारण नहीं, ए ज्ञान के कारण नहीं, फिर से सुन लो, फिर से सुनो, क्यों पत्नी आई तब राग हुआ, यह राग ने पत्नी को ढूंढने के लिए बेचैन किया था, पहले पत्नी आ गई थी कि राग ने तुम्हें बेचैन किया था, जानने के लिए, जानने के लिए तो तब गए जब राग ने बेचैन किया, तो ज्ञान का दोष नहीं है, और उस राग को यदि वहां जीत लिया जाता, सॉल्व क्वेश्चन कर लिया जाता, वो सॉल्व प्रॉब्लम, तो अनंत प्रॉब्लम नहीं खड़ी होती, हा मिटाना कहां था और मिटाता ज्ञान को है,
समझ में आ रहे नहीं आ रहे? हाँ हाँ हाँ, मूल मूल जड़ पे प्रहार, ए जानने का निषेध करना चाहता है ना। मैं अनेक पर्याय रूप होता, अनेक पर्याय मैंने पर्याय स्वभाव को नहीं जानता ने, पर्याय स्वभाव के कारण राग उत्पन्न होता है क्या? पर्याय स्वभाव के कारण राग उत्पन्न होता है? पर्याय स्वभाव के कारण नहीं होता, लेकिन इसको फिर वही वाली बात, देखते से ही राग चढ़ता है, देखते से ही क्रोध चढ़ता है, लगता है कि नहीं लगता है आपको? तो फिर सबसे पहला सरल उपाय कौन सा करते हैं बच्चों की तरह, कौन सा उपाय करते हैं? क्योंकि सबसे पहले बॉम्बे में तो क्या सारी दुनिया में ही चलता है, रास्ते का कांटा साफ करूं। रास्ते का कांटा समझ गया, रास्ते का कांटा बस। तो उसको उसको साफ करने के चक्कर में भैया तू साफ हो जाता है, साफ हो जाता है माने मोक्ष मार्ग में नहीं बचता तू, सियादवादी नहीं बचता तू, दुखी रह जाता है। आगे समझ में आया? बहुत खुलासा किया इसका, बहुत जोरदार। कौन सा नंबर का बोल चला था? 50 नंबर का, कल 250। 250 में क्या कहा था? ये अपनी स्वयं की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, और अभी कह रहे हैं पर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। पर की सत्ता को क्या मिटा देना चाहता है? एक बात सुनो ध्यान से, निर्मल अनुभव तो करना चाहता है, एक अनुभव तो करना चाहता है, लेकिन एक जानना नहीं चाहता। अनेक को मिटाकर एक करना चाहता है, ज्ञाकार को मिटाकर एक ज्ञानाकार का अनुभव करना चाहता है। पॉइंट समझ में आ रहा है कुछ? यहां ज्ञाकार तो ज्ञान ही है। ज्ञाकार बहुत बढ़िया, ज्ञाकार तो ज्ञानाकार है, ज्ञाकार है क्या? सुबह इसकी चर्चा बहुत हुई, बच्चों को समझ में आएगी। देखो ए बेटी सुनने सभी लोग, ए बिने सुनो, पानी नदी है, नदी देखी, नदी सरोवर है, उसमें सूरज वो रात के टाइम चंद्रमा और तारे दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? दिखेंगे, निकाल के लाओ जरा। अरे निकाल के लाओ, है ना, सरोवर में चंद्रमा और तारे हैं ना, निकाल के लाओ। एक आध लेके आओ छोटा सा तारा, खेलेंगे अपन, लेके आओ। अब अपन हाथ डालो उसमें, हाथ तो डालो पहले, पानी है क्या देखें अपन, हाथ डालो क्या निकलेगा? अरे सूरज चंद्रमा है ना इसमें, नहीं है, नहीं है। ऐसे ही ज्ञान में जैसे पानी में पानी के सिवा कुछ नहीं है, ऐसे ज्ञान में ज्ञान के सिवा, जैसे तू ज्ञाकार कहता है वो तो पानी में मात्र। फिर समझो, फिर समझो भैया, ज्ञान कैसा निर्मल उज्ज्वल आनंद मूर्ति है, और इसका स्वभाव नहीं जानता। आप देख लेना, मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, हम जानने से बचना चाहते, हम जानना नहीं चाहते, और इसीलिए मैंने कहा था अनसॉल्व प्रॉब्लम, हम सॉल्व ही नहीं करना चाहते उसे। एक बार समझो तो सही, सारे विश्व के साथ तेरा कौन सा संबंध है, कौन सा संबंध है? सही बताएं तो कोई संबंध नहीं, तू ज्ञानमय है, और वे सब उनकी प्रतिबिंब झलकता है, वो तेरे ज्ञान की रचना में ज्ञाकार है, और तो कुछ है ही नहीं। देखो एक सरल दृष्टांत दूंगा आपको, दृष्टांत से मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, जिससे अपने को बहुत डर लगता है ना, तो वो आदमी तो सामने नहीं आता लेकिन सपने में आ जाता है, नहीं होता ऐसा? जिस आदमी से अपन बहुत भयभीत होते हैं, ये बच्चे होते ना बच्चे, परीक्षा के दिनों में जो सबसे टफ पेपर होता है ना, वो पेपर परीक्षा में सपने में जल्दी आ जाता है, नहीं आ जाता है? और भयभीत हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ये दृष्टांत है। तो अभी वो दुश्मन तो आया ही नहीं जिससे अपन डर रहे थे सपने में, इस सपने में आया कौन, आया कौन जिससे हम परेशान है, जिसके लिए हम कंप्लेंट कर रहे हैं, रो रहे हैं, वो तो आया ही नहीं, वो तो आया ही नहीं। अब अपन ने ही ये क्रिएट किया, भय भय भय, ये चारित्र का दोष है भय। एक व्यक्ति के प्रति कल्पना कर ली, ओ भय खड़ा हो गया, ओ भय के कारण रात को ज्ञान ने अपना सपना बनाया। आप क्या करें, क्या करें बोलो? तो भैया तेरे ज्ञान में पहले तो विश्व का कोई पदार्थ आता ही नहीं, इसलिए वो शत्रु भी नहीं है, मित्र भी नहीं है। सुबह की भाषा में बोलो तो वो तेरा भोगता भोग्य नहीं, वो तेरा भोग्य नहीं, और तूने उसे कभी भोगा
नहीं, मैक्सिमम रिलेशन इतना सा है। फिर देखो भैया दर्पण में शत्रु झलक गया तो गुस्से में आप दर्पण पे पत्थर मार रहे, दर्पण में कौन है बताने जरा, दर्पण में शत्रु तो आए ही नहीं जिसे तुमने माना था। दर्पण तो उस समय प्योर दर्पण ही। अच्छा दर्पण के अलावा क्या है? लेकिन ऐसा होता है इमोशनल होने पर दर्पण कोई जो अच्छा नहीं लगता ना, जो अच्छा नहीं लगता उसका नाम लिख करके भी फाड़ देते हैं, उसका नाम लिख करके भी जूतों के नीचे डालते हैं। गुस्सा आ जाती है तो किताब अच्छी नहीं हो, शत्रु की किताब जी नहीं, अभी नहीं सुना होगा आपने वो जिहाद होता है, जिहाद क्या कहता है हो, तो किताबों को जला दो। क्यों जला दो किताब? वो किताब में शत्रु है क्या? क्यों फोटो का नाश कर दो? फोटो के नाश से क्या होगा? ऐसे ही अरे सुन 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 भैया, फिर सुनो, तुम्हारे में विश्व का विश्व तो विश्व में है और ज्ञान में केवल ज्ञान है। अब इतना सा एक स्वच्छता थी तुम्हारे अंदर कि वो ज्ञान में गे झलके, तो वहां पर एक चारित नाम के गुण में गलती हुई। क्या गलती हुई? कि उसने इमेजिन किया कि ये ठीक नहीं। सरल भाषा में कहो तो एक खाऊं तो मजा आए, एक खाऊं तो सुख हो, एक सब पैसा आ जावे तो दुनिया के सारे सुख खरीद लूं। ये कौन कहता है? ज्ञान ने नहीं क्या, चारित्र ने, चारित्र गुण में एक विकार उत्पन्न हुआ और श्रद्धा गुण में ये हुआ कि ये मान्यता कि मैं इनसे सुखी होऊंगा। फिर से सुनो, श्रद्धा में ये मान्यता कि मैं पर से सुखी होऊंगा, लेकिन पर कभी इसको मिलता मिलेगा मिल सकता? फिर से पूछता हूं, श्रद्धा ने क्या माना? पर से सुख होगा, पर पदार्थ से सुख होगा, और पर कभी इसे मिल सकता? काय के बल पर कह रहे हो, ज्ञान के बल पर। बस ज्ञान में निर्णय होने पर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हाँ, तो इधर श्रद्धा सुधरेगी और इधर यथा योग अनंत अनुबंधित राग चला जाएगा तत्काल, और बाकी का जो उदयाधीन रह गया ना वो अभी वो भी चला जाएगा, प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होगी। इसलिए भैया फिर कह रहे हैं ज्ञान में तत्वाभ्यास करो, अभी की भाषा में बोलो जरा, तत्वाभ्यास करो मैंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करा। फिर से बोलता हूं, लेट गो नेचर नहीं करना। लेट गो समझते हो गए अंग्रेजी में? लेट गो लेट गो माने अपनी साहित्य की भाषा में कहें, जिनवाणी की भाषा में तो अनद्य बसा है। अब कुछ होगा जैसे समझ लो, अब दृष्टांत तो बहुत है, जैसे अपने कोई खोटा भाव आता है ना, कुंवारी लड़के को खोटा भाव आया तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता। अब देखो जब मिटना हो तो मिट जाएगा, अपने आप मिट जाएगा, जब होगा तो हो जाएगा, और ज्यादा हुआ तो मंदिर चले गए, ज्यादा हुआ तो उपयोग बदल लिया, ज्यादा हुआ तो इधर उधर टाइम पास कर लिया और सोच लिया हम पवित्र हो गए। ऐसे पवित्र नहीं हो गए, ये कहना है। भूख लग रही है तो टाइम पास मत करो टीवी देख करके, वो भूख की प्रॉब्लम सॉल्व करो। ऐसे तुझे गेहों से भय लगता है नहीं, गेहों के प्रति अट्रैक्शन होता है नहीं, तो ये राग और द्वेष इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो कैसे सॉल्व करें पंडित जी, अब आप ही बता दो। तो हम फिर बता रहे, पहले तो भगवान आत्मा में ज्ञान में विश्व का अभाव है। और कैसा अभाव है? कभी भी ज्ञान को विश्व मिलेगा नहीं और ज्ञान विश्व में जाएगा नहीं। पहले भी कभी गया चाह करके भी मिलेगा नहीं। अच्छा एक बात, ज्ञान गेयों से माने पर पदार्थों से सुखी होता नहीं, आत्मा पर पदार्थों का भोग कर सकता नहीं, पर पदार्थों को टच कर सकता सुखी हो सकता नहीं। अच्छा फिर से बोलो, तो आत्मा को सुखी होने के लिए पर पदार्थ की जरूरत भी नहीं है, आत्मा अपने स्वभाव से ही सुख स्वभाव ही है। ऐसा निर्णय करने पर अपर की जरूरत महसूस होगी। तो यहां ज्ञान सम्यक हुआ, श्रद्धा सम्यक हुआ और चारित्र में भी यथा योग्य राग का अभाव हो गया। अब इन दो को तो ये जानते ही नहीं, इन दो मतलब श्रद्धा और चारित्र को तो जानते ही नहीं है, बस ज्ञान ज्ञान। फिर दृष्टांत दे देता हूं आपको, सांप पर घड़ी नहीं देगी मैंने।
टाइम हो गया, एक दृष्टांत की बात पूरी कर दे, सुनना ध्यान से, बहुत बढ़िया दृष्टांत देते, सुनो। बच्चे होते ना, बच्चे छिप करके खाते हैं पुड़िया, समझ गए, नहीं तुम नहीं, तुम्हारी थोड़ी कह रहे, उनकी कह रहे हैं, हम तो बच्चे एक दिन सक्सेस हो जाते हैं ना, तो फिर वो करते चले जाते हैं छिप करके खाना, जैसे छिप करके रात्रि भोजन किया, कोई को पता नहीं लगा, छिप के करा तो खुश होते हैं, खुश, किसी को पता नहीं लगा। अब एक दिन पापा ने देख लिया तो बच्चा पकड़ा गया रेड हैंडेड और पनिशमेंट मिला। बच्चे को मालूम किस बात की तकलीफ होती है, क्या तकलीफ होती है बच्चे को, अरे यार पापा ने कहां से देख लिया, प्रॉब्लम खाने की नहीं है अभी भी उसे, मैं रात्रि भोजन कर रहा हूं, रात्रि भोजन में मैं सुख मानता हूं तो सुख मानता हूं, ये मिथ्यात्व, रात्रि में भोजन करके सुखी होता हूं ये मानना मिथ्यात्व, और वो राग उत्पन्न होता है रात को खाने का, वो चारित्र का दोष है, इन दो को दोष नहीं मानता, वो पापा के ज्ञान ने जान कैसे लिया, अब तो समझ में आ रहा कुछ, वो एक सर्प दूध को जहरीला कर गया, पी गया मतलब, अब मालूम पड़ गया अपने को, अरे मालूम नहीं पड़ता तो कितना अच्छा रहता फिर समझो भैया, फिर समझो ज्ञान की स्वच्छता, हा ज्ञान के लोक में तो ज्ञान 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 के सिवा दूसरी कोई चीज है ही नहीं, ए सारा अनंत संसार काय में रखड़ गए, जिसका तूने आज तक भोग नहीं किया, जिसको तूने ग्रहण नहीं किया, जिसमें तू कभी गया नहीं और जो कभी तेरे में आया ही नहीं, ज्ञान 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 की स्वच्छता के वेदन में तूने राग द्वेष की कल्पना करी, ज्ञान की स्वच्छता में तूने भोग की कल्पना करी, ज्ञान की स्वच्छता में तूने मलिनता की कल्पना की, ओ हो ऐसा करके तूने अपने ज्ञान का ही अभाव किया, कर्मबंध इसलिए हुआ, कर्मबंध इसलिए हुआ, समझ में आया कुछ, कितने बोलोगे अभी तक, तत् अतत् एक अनेक, ज्ञान ज्ञान स्वभाव ही है, तत् गेयों के बल पर उसकी महिमा नहीं है, ये अतत् गेयों के ज्ञाकार गेयाकार के बल पर ज्ञान की महिमा नहीं है, ये अतत् है, ज्ञान ज्ञान से स्वाभिमान है, आ हा हा, अब एक अनेक, एक को जानता नहीं है, अनेक पना अनुभव करता है, खंड खंड अनुभव करता है, अनेक रूप हो गया ऐसा अनुभव करता है, तो उसकी मिथ्या मान्यता को हटा करके तीसरा बोल कौन सा हुआ, ज्ञान सामान्य एक ही है, अब जी क्या करता था, गियाकार को जान करके निर्मलता का घात मानता था, अच्छा बोलो आप क्या करना चाहते हो, सामायिक में क्या करना चाहते हो, कुछ जानने में नहीं आए, टोडरमल जी ने एक बहुत प्यारा शब्द लिखा है, निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है, क्या कहा, निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है, तुम बैठ करके निर्विचार होने की कोशिश करते हो तो यहां चौथे नंबर की प्रॉब्लम में घिर गए, लिखा है उन्होंने बहुत खुलासा किया है, अरे ज्ञान का स्वभाव तो स्वयं पर को जानने का ही है, जानना तो उसकी निर्मलता है, अभी कोई मीटिंग हुई, मीटिंग तो एक छोटा सा बच्चा खड़ा होकर के बहुत अच्छे जवाब दे तो अपन ताली क्यों बजाने लगते, ये बच्चे की नॉलेज कितना अच्छा है, ज्ञान कितना अच्छा है, कितना शार्प है, कितनी जल्दी पकड़ लेता है, कितनी जल्दी जवाब दे दिया, होता है कि नहीं होता, बोलो तो ताली किस बात की बजाई, छोटा है इसकी कि उसकी ज्ञान की स्वच्छता की, और मैं मान के यहां बैठ करके गलत बोलूं तो सब लोगों को मेरी बुराई नहीं लगती, वो ज्ञान की स्वच्छता में कितनी कमी है, ज्ञान की स्पष्टता में कितनी कमी है, वो उसका अच्छा नहीं लगता, तो 24 घंटे किसका व्यापार समझ में आ रहा है आपको, स्पष्ट जानने में आता है तो ज्ञान की स्वच्छता है, मेरे से भी कोई चूक हो जाए और फिर एकदम पकड़ में आ जाए, मैं फौरन सहजता से कहूं भैया क्षमा करना ये मैं गलत बोल गया, तो आपको ये लगे पंडित जी बड़े अच्छे हैं, अपनी गलती का एहसास हो जाना, कमियों का दिख जाना, भूल का दिख जाना, राग आदि का दिख जाना, द्वेष का दिख जाना, कमियों का दिख जाना, ये निर्मल ज्ञान की पहचान है, जिनका ज्ञान निर्मल नहीं होता वे कहते हमारी गलती क्या है, हमने क्या गलती की, हमारी क्या गलती है, जिसका ज्ञान निर्मल नहीं होता वो अपनी गलतियों को समझाने पर भी नहीं समझता,
और जिनका ज्ञान निर्मल होता है सुनाओ, उन्हें दूसरों की जरूरत नहीं पड़ती, उनका ज्ञान अपने ज्ञान में झलकने वाले दोस्तों को स्वयं पहचान कर उन्हें भिन्न देख लेता है, और भिन्न देखना ही उन्हें दूर करने का उपाय है। अंतिम बात के फिर से बोलो एक बार, बोलेगा भैया कौन बोलेगा, फिर से जल्दी बोल गई फिर से सुनो, ज्ञान में दोष भिन्न दिखाई देते हैं, ये भिन्न देखना ही दोष को दूर करने का उपाय है। ज्ञान में रागाधिक अपनी कमियां जो भी हो कमियां जानने में आती है, उसे भिन्न देख करके ज्ञान स्वभाव देखता है, ये ही रागाधिक को दूर करने का उपाय है। ए हटाने के नाम पर द्वेष नहीं करना ज्ञाकार से, टोटमल जी ने बहुत सुंदर बात कही, सुनो सुना दो एक लाइन जल्दी से सुनना विचार करना बराबर। एक ज्ञाकार को बनाए रखना चाहता है, एक ज्ञाकार को हटाना चाहता है, इसका नाम तो राग द्वेष है। एक ज्ञाकार को बनाए रखना चाहता है, एक ज्ञाकार को हटाना चाहता है, यही तो राग द्वेष है। राग द्वेष कोई बाहर थोड़ी होता, बाहर तो समझाने की शैली है, असली राग द्वेष तो अंदर अंदर है। सुनो ए आंख कौन सी मलिन गंदी गटर को देख करके मलिन होती है, नहीं होती, बस हो गई बात खत्म। ऐसे ज्ञान किसी भी ज्ञेय को जानने से मलिन होता नहीं है। जरा अच्छा उत्तर बताओ जो अभी अश्विन भाई जी ने बताया था, बोलो। क्योंकि ज्ञान में तो ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान में ज्ञों का प्रवेश नहीं होता, इसलिए ज्ञान कभी मलिन होता। अब तो खोटे भावों को मिटाना है कि नहीं मिटाना है, हाँ वो तो क्या कह रहे है, और वो भी खोटा तेने नाम रखा, उधर तो खोटा कुछ है ही नहीं। फिर से सुनो, विश्व में खोटे नाम का कोई पदार्थ नहीं, विश्व में खोटा नाम का कोई पदार्थ नहीं। ओ हो, खोटा तो इतना ही है कि तू ज्ञान को ज्ञान नहीं जानता, ज्ञेयों से भिन्न नहीं जानता, और ज्ञेय में एकत्र कर बैठता है। खोटा खोटा इतना ही खोटा है, इससे ज्यादा खोटा कुछ है ही नहीं। बाकी चर्चा कल करेंगे, अभी टाइम हो गया। ओम नमः शिवाय।